खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है। यहां बेखौफ बदमाशों ने देर रात 2 बजे घर में घुसकर लाखों की नकदी और 13 तोले सोना लूट कर ले गए। 2 बदमाश घर में घुसे थे। मालिक ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया, जिसमें एक बदमाश ने गोली चला दी और भागने लगे। गोली लगने से घर का मालिक घायल हो गया। आवाज सुनकर आमिर का भाई नीचे आ गया और भाग रहे बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वो जंगल में भागने गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। गोली लगने से घायल आमिर को बिजनौर रेफर कर दिया गया है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बदमाशों ने किस तरह घर की खिड़की को तोड़कर घुसे थे। घर से ज्वेलरी लेकर चले गए थे, खेत में घर का बक्सा छोड़कर भागे थे, जिसे घर वालों ने सुबह खेत से बरामद किया है। इसकी जानकारी मिलते ही खेत में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस मामले पर पुलिस और लोगों का। धर्म सिंह मार्शा, अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी जनपद बिजनौर। अवगत कराना है कि आज दिनांक 13/6/2024 की रात्रि करीब 2 बजे ग्राम सिपाही वाला थाना शिवारा में फुरखान अहमद के घर में 2 व्यक्ति खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुसे और घर से सामान चोरी कर जाने लगे। घर में सो रहे फुरखान का पुत्र आमिर आवाज सुनकर जग गया और दोनों व्यक्तियों का पीछा किया और दोनों को पकड़ लिया। इसी दौरान बदमाशों ने आमिर को घायल कर दिया। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आमिर को CHC शिवारा में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल बिजनौर रेफर किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। घायल आमिर की स्थिति सामान्य है। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु क्षेत्राधिकारी धामपुर के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया है। विधिक कार्रवाई पर लेते हैं। 2:30 बजे से पहले की बात है, 1:30-2 बजे के बीच की। मैं ऊपर सो रहा था छत पे और बाकी घर वाले सब नीचे थे बरामदे में। कुछ लोग हमारे घर में घुसे, उन्होंने सोना चांदी और लगभग 1 लाख रुपए के समथिंग पैसे थे और लगभग जो है 12-13 के समथिंग 13.5 तोले के समथिंग सोना था हमारा, वो सब निकाल लिया। निकाल के यहाँ जंगल में ला के सहरे सब इकट्ठा कर लिया। जो घर में हमारे पर्स वगैरह रखे थे कमरों में से, सब पर्स वर्स इन्होंने यहाँ के जंगल में इकट्ठे कर लिए। यहाँ इन्होंने सामान छाट लिया, क्या सोना था क्या पैसे थे। उसके बाद जो है लास्ट बार जब भी हमारे घर में घुसे तो भैया की आँख खुल गई, बड़े वालों की। बड़े वाले भैया उनके पीछे को झपटे तो उन्होंने भैया ने पकड़ लिया, बड़े वालों ने दोनों को ऐसा दाब लिया, आमिर दोनों को ऐसा दाब लिया तो उनमें से एक छूट गया। तो जो छूट गया था उसने भैया की गोली मार दी, यहाँ पे इस जगह गोली मार दी। गोली मारने के बाद वो भाग गया।